विदर्भ की काशी के नाम से मशहूर पवनी शहर की ऐतिहासिक विरासत की उपेक्षा की जा रही है और शहर का गौरवशाली दीवान घाट अब विलुप्त होने के कगार पर है पर्यटन के विकास पर किसी का ध्यान नहीं होने के कारण इस ऐतिहासिक धरोहर की उपेक्षा की जाती है पवनी राजा की पवनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है और सम्राट अशोक इसी पवनी नगर में रहते थे शहर की एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है और यह पर्यटकों के आकर्षण में समृद्ध है महत्वाकांक्षी गोसे खुद परियोजना उमरेट पवनी करहंडला अभ्यारण्य जवाहर गेट स्तूप शहर में सिंधपुरी में अंतरराष्ट्रीय महासमाधि भूमि पंचमुखी गणेश विदर्भ के अष्ट विनायकों में से एक धरणधीर गणेश रांची के गणपति और अन्य ऐतिहासिक किले स्थित हैं वेनगंगा नदी के किनारे घाट है ये सभी स्थान पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में दीवान घाट जैसी ऐतिहासिक धरोहर विलुप्त होने के कगार पर है भोसले काल का दीवान घाट शहर की शान है पवनी के नागरिक इस घाट पर वेनगंगा पर स्नान करने जाते थे तराशे हुए पत्थर से निर्मित घाट में एक गढ़ और एक ऊंचा द्वार है लेकिन अब इस गिरावट की शान कम होती जा रही है तलाशी हुए पत्थरों को खोदा गया है और मीनारे ढह गई हैं। दरारों के कारण बड़े दरवाजों को बंद करना पड़ता है अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आशंका जताई जा रही है की यह विरासत विलुप्त हो जाएगी शहर में वेजेश्वर घाट महत्वपूर्ण है लेकिन दीवान घाटों पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है पूर्ण के प्रयास भारतीय पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र पर्यटन विकास नगर पालिकाओं और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि लुप्त प्राय घाटों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं पवनी के नागरिक उन चीजों पर महत्वपूर्ण राशि खर्च करने के लिए धन्य महसूस करते हैं जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने वाले ऐतिहासिक घाटों की अनदेखी की जा रही है इन घाटों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाने की जरूरत है लेकिन वर्तमान में दीवान घाट के सौंदर्यकरण का कोई उपाय नहीं है पवनी से बीसीएन न्यूज़ के लिए प्रदीप घाटगे की रिपोर्ट